गाइस तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका जनसिंह इंपैक्ट के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अपना 91 नंबर वीडियो जो कि काफी बेहतरीन है। और आज हम सुमेरू का एक और न्यू वर्ल्ड ओपन करने जा रहे हैं जो कि काफी खतरनाक होने वाला है। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं अंश और इताची काफी धूम मचाने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए नए वर्ल्ड को ओपन करने के लिए। तो आज काफी ज्यादा फन होगा क्योंकि मेरे फ्रेंड भाई खतरनाक तो है ही है क्योंकि मेरी मदद भी करते हैं वो। और यहाँ पर ये दोनों खड़े हुए भाई, ये मेरे फ्रेंड नहीं है। ओके भाई भाग 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 ब्रो, भागो भागो भागो। मैं इनसे फाइट नहीं करने वाला यार अभी, मतलब मार खाने से नहीं डर रहा हूँ मैं, मतलब इनको मार देता मैं, लेकिन भाई छोटे मोटे बंदे हैं, लेकिन भाई कौन लड़ेगा इनसे यार चिमकांडियों से। अभी मैं आगे चल रहा हूँ ना। ओके तो मेरे अभी 90 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं इस चैनल पर, अभी मेरे को बाकी है 10 वीडियोस। तो मेरा आज 90 वीडियो हो जाएगा, फिर तो 10 वीडियो और बचेगा भाई, 100 वीडियो करने के लिए फिर 10 वीडियो और बचेगा बस। ओ भाई तो पार्टी होगी भाई, कह रहा है 100 वीडियो हो जाएंगे फिर तो पार्टी होगी भाई। ब्रो 100 वीडियो पे पार्टी। ओ 100 वीडियो पे कोई खुशखबरी हो सकता है, मिल सकता है मेरे को भी। ओके अभी आगे चलना है तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड है, वो तो आप ही करोगे ना। या भाई मैं ही पार्टी करूंगा यार, अब तुम लोगों को मैं कहाँ से पार्टी दे सकता हूँ। अभी तो मतलब मिल भी नहीं सकते हम गेम के, कभी मिल सकते हैं लेकिन आज नहीं तो कल तो मिल ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ले भाई करंट के मजे लो। ये ले भाई, हम लोग भी करेंगे। ओके ये कौन है, रावण टू आ जाओ भाई, रावण तुम भी आ जाओ यार, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे आज सबको बुला लेंगे। तो न्यू वर्ल्ड को ओपन के लिए जा रहे हैं, तो अभी कहाँ पर पहुँचना पड़ेगा न्यू वर्ल्ड के लिए, तो आगे ये है स्टेचू ऑफ सेवन, तो चलते हैं फिर रास्ता पकड़कर। भाई 10,000 का डैमेज यार कौन दे रहा भाई, इतना पावरफुल कौन हो गया यहाँ पर। ये ले ब्रो ये ले भाई, अगर झगड़ा किया है तो डरना किस बात का भाई, मैं अकेले इसको कैसे मारूंगा यार। एक तो मेरे पास एक ही कैरेक्टर ही है, मैं कोई इफेक्ट इसके ऊपर कर भी नहीं सकता हूँ। ओ भाई डैमेज पड़ गया मेरे को, भाई हेल्प करो यार कोई मेरी, कोई तो आजा ब्रो कोई तो आजा, ये मेरे को अकेले मार डालेगा ब्रो मार डालेगा। ओके रावण टू आ गया। भाई नहीं 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 ब्रो नहीं, ओ शिट मैं अगर मर गया ना तो नहीं भाई, मैं डायरेक्ट वहां स्टेचू ऑफ सेवन के पास फिर से जाऊंगा यार। ओके मेरे को मरना नहीं था यार। भाई यही होता है एक कैरेक्टर का होने का, यही होता है भाई, चार लोग जब खेलते हैं ना यही होता है, तीन लोग खेलते होते कोई दिक्कत की बात ना होती। ओ शिट मैं इनके पास ही हूँ, लेकिन मैं नीचे हूँ यार, बस यही दिक्कत है, मैं इनके पास ही हूँ। वहाँ पर मैंने एक डोमेन ओपन किया हुआ है पहले से, तो इस वजह से मैं वहीं पर था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था, मैं ऊपर कैसे जाऊँगा फिर, निकलूँगा कैसे उस डोमेन से बाहर, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो अभी मैं फिर से यहाँ पर आ चुका हूँ यार, तो बड़ी दिक्कत है यार, मैं मर गया यार चिमकांडी गिरी, मेरे पास कोई कैरेक्टर भी नहीं है, तो मैं वहाँ पर कैसे जिंदा रहूँगा ये बताओ पहले, मेरे पास कैरेक्टर तो है नहीं। ओके अभी चलते हैं आगे ब्रो, फिर से वहां तक मेरे को भाग के जाना पड़ेगा, इतनी दूर तक मैं गया था इतने मुश्किल से, चिमकांडियों ने मेरे को मार डाला, हल्के में ले लिया है लेकिन मेरे को वो सब, हमारे पावर्स को वो सब पहचान ना पा रहा है, ये नहीं जानते कि हम कितने पावरफुल बंदे हैं, पावरफुल बंदा माई फुट, यहाँ पर देख रहे अपनी जान ना बचा पाया मैं, पावरफुल बन रहा हूं मैं। वो देखो बंदे कितने आगे निकल गए भाई, वो तो स्टेचू ऑफ सेवन ओपन भी नहीं कर पाएंगे मेरा, और उनके होते हुए मैं भी ओपन नहीं कर सकता यार, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है।
जब तक वो मेरे गेम में, मैं भी स्टेच्यू ऑफ सेवन ओपन नहीं कर सकता। अभी तक फाइट चल रही है क्या यार उनकी? मैं लड़ने वड़ने वाला नहीं हूँ, अगर मैं लड़ूंगा तो अपनी फिजेल को बुला कर ही लड़ूंगा यहाँ पर फिर, क्योंकि फिजेल मार डाला भाई, मार डाला, गर्दा मचा दिया भाई गर्दा। जो भी टक्कर लेगा इन लोगों से वो उसको भारी पड़ेगा भाई टक्कर, ये गर्दा मचा दिया यहाँ पर तो। ओके तो अभी मैं चल रहा हूँ हम लोग आगे फिर। ओके ब्रो, ओके ओके, तो यहाँ पर एक वो है क्या कहते हैं डेंड्रोक्यूलस, और डेंड्रोक्यूलस शायद इसके अंदर होगा। और मैं एक बार यहाँ भाई स्टैचू ऑफ सेवन ये रहा, अब भाई ये ओपन कैसे होता है यार ये मेरे को नहीं पता, अब ये ओपन कैसे होगा ये भाई, अब ये तो भगवान ही जाने। भाई यार तो इसको यहाँ पर इन सबको हटाना पड़ता है मेरे ख्याल से, ये सबको हटा भी दिया रहा है भाई, ये बंदा मस्त है। तो ये मरते भी हैं यार, भाई ये टूटता भी है यार ये, या ब्रो यार टूटता है ये, टूटता है। और कितने बाकी हैं अभी, ये भी टूटना बाकी है ना भाई, ये भी टूटेगा ब्रो, ये भी टूटेगा यार, ये तो टूट ही ना रहा, ये वाला नहीं टूटेगा क्या यार, किस मिट्टी का बना है ये, नहीं टूटेगा जाने दो। ओ भाई ये क्या बला है, ये क्या बला है भाई, ये क्या बला है, इसको मैं दूर से ही मारेगा यार, मैं पास जाएगा मैं फिर से मरेगा, फिर से वापस जाएगा वहां पर, ये बड़ी दिक्कत की बात होगी यहाँ पर फिर तो। तो मेरे को कैरेक्टर चेंज करके लेना पड़ेगा फिजेल को, जो दूर से ही मारेगा उसको, तब तक कहीं वो बंदे मार ना देंगे यार उसको, वो भाई मेरे को मारने से पहले वो बंदे ना मार दे उसको, इतना तारा डैमेज पड़ रहा है उसको। ओके 600 का डैमेज, बंदा खत्म ब्रो, ये कैसे मारते हो यार तुम लोग भाई, बंदा थोड़ी देर में ही खत्म। ओके ब्रो ओके, लेकिन यहाँ पर जो क्यूलस है वो अभी तक मेरे को नहीं मिला है। यहाँ पर इसके पास जाके डिस्ट्रॉय, ओके ये एरिया पूरा क्लियर हो जाएगा भाई, एरिया पूरा क्लियर है ब्रो। इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर व्हाट इज दिस यार, तो ये है ना प्लेस, ये होती है असली जगह ब्रो, व्हाट इज दिस, ये होती है ना असली जगह ब्रो। तो बंदे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं यार, मैं अकेले यहाँ पर क्या करेगा, सर्वे करेगा क्या? ओके ओके ओके, ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनको किन चीजों ने बांध रखा है अभी भाई? इधर मुझे पता है यार, मुझे पता है कौन इधर बुला रहा है मेरे को, ऊपर एक चेस्ट है मेरे को पता है, ऊपर एक चेस्ट है, आ जाओ यार यहीं पर आ जाओ, तुम लोग उसको लेते रहो, मैं चेस्ट लेकर आ रहा हूँ। मैं मेरा चेस्ट चोरी हो गया तो ये भी तो सकता भाई, मेरा चेस्ट चोरी कोई ना कर ले यार, मैं चेस्ट लेने आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ चेस्ट लेने के लिए भाई। इतना मेहनत से भाई फाइट वाइट हुई है यहाँ पर, चेस्ट वेस्ट मैंने लिया हुआ है, डेस्टिनी ब्रॉट मी हिड। कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, डेंड्रोक्यूलस किधर, कौन बुला रहा है, इताची, इताची ब्रो अंदर है क्या डेंड्रोक्यूलस भाई? रूइन डिफेंडर भी है भाई, कोई फाइट कर रहा है नीचे, ये रूइन का कोई डिफेंडर फाइट कर रहा है यहाँ पर। विंड्स ऑफ डार्कनेस सेवन आइट कम पर डे, आइस कम इन दी, इतना तगड़ा कौन डैमेज दे रहा है यार,
मैं ही दे रहा हूँ डैमेज इनको, मैं ही दे रहा हूँ भाई, मैं ही दे रहा हूँ इनको डैमेज। देख रहे हो मैं कितना तेरे डैमेज देता हूँ भाई, इनको मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा है भाई, घंटा मैंने मारा है। यहाँ पर देख रहे हो क्या डैमेज पड़ रहा है भाई मेरे बंदों ने, क्या डैमेज दिया है। और एक साइड चेस्ट, डेस्टिनी एंड ब्रॉट मी हिडर। भाई कौन बुला रहा था मेरे को, इताची किधर है भाई, किधर है डेंड्रोक्यूला, किधर है भाई, किधर है क्यूलस यार, और नीचे है क्या क्यूलस? ओके ब्रो, भाई सा व्हाट इज दिस यार, ओके भाई ये कौन सा प्लेस थी भाई, मतलब प्लेस यार, ये नीचे चलता चला जा रहा है यार। मैं तो भाई हम लोग न्यू वर्ल्ड ओपन करने के लिए निकले थे और यहां पर हम कहां पर आ चुके हैं। ओके तो क्यूलस किधर है यार, क्यूलस कोई बता रहा था ना, इधर क्यूलस है। ओ भाई प्लेस तो काफी जबरदस्त है यार। म्यूजिक बजाऊं क्या यहां पर, म्यूजिक अब बजेगा म्यूजिक ब्रो, अब बजेगा म्यूजिक, टडो 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 टडो। ओ अब बज रहा है ना म्यूजिक, टडो टडो डो 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 डो। कैन नॉट स्टार्ट द चैलेंज कॉपी मोड, ओ भाई चैलेंज स्टार्ट नहीं हो सकता कॉपी मोड में, कोई ना भाई कोई ना। कॉपी मोड में चैलेंज नहीं हो सकता भाई। क्यूलस कहां पर है भाई, क्यूलस डेंड्रो क्यूलस, क्यूलस कहां है भाई? तीन लोगों ने मैसेज किया है यार, आ रहा हूं ब्रो, क्या कर रहे हो ब्रो, आई एम प्लीज राइट इन इंग्लिश। ओके ऊपर ऊपर ऊपर, किधर ऊपर भाई, ले चलो ले चलो, कौन बोला कौन बोला। ओके 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 चलते हैं अभी ऊपर भाई, ये कैरेक्टर मस्त है इसके पास। चलते हैं भाई, कहां पर है क्यूलस ब्रो, किधर है किधर है किधर है? क्यूलस के लिए मैं यहां पर आया हूं कुल मिलाकर भाई, नहीं तो मैं यहां से निकल जाता फिर। ओ ब्रो ओ क्या, कौन भाई यहां पर, किसी से फाइट करनी पड़ेगी मुझे भाई, ये क्या बात हुई यार, मैं अकेले फाइट कर रहा हूं यहां पर, सारे बंदे किधर गए फिर? हेल्प मी ब्रो हेल्प मी, मैं भाग जाऊंगा फिर यहां से, अब बोलोगे कि मैं भाग गया फिर। मैं जा रहा हूं यार, मैं जा रहा हूं, ओके सॉरी सर सॉरी। इताची ब्रो किधर है क्यूलस? ओके तो अच्छा एकदम ऊपर से है, जो ऊपर मैं जहां कह रहा था ना क्यूलस वहीं पर है, लेकिन ये जगह मैं याद रखूंगा, ये जगह यहां पर आना है मुझे, इस जगह पे, ये जगह मैं याद रखूंगा यार, ये जगह काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो इसको थोड़ा जूम करके इस जगह पे मैं एक निशान बना देता हूं, बस कंफर्म बस। किधर भाई ये तीन नंबर वाला, इधर गया यार ये, इधर से गया। ओके गया तो गया, लेकिन है कहां पर? अच्छा वो ऊपर है, वहां पर क्या कर रहा भाई ये क्यूलस? क्यूलस के लिए मैं कुछ भी कर सकता है यार, अब ये क्यूलस किधर है किधर है किधर है किधर है? अच्छा वो वहीं पर है, मुझे पता चल गया, वो वहीं पर है जहां पर मैंने बोला था, वो वहीं पर है वो क्यूलस।
तो ये वही पेड़ के ऊपर, ये ना पेड़ के अंदर, ये ना क्यों क्यूलस। यस ब्रो यस, ये ले मिल गया ये क्यूलस। चलो आगे, चलो आगे भाई, चलो आगे, चलो आगे ब्रो, चलो आगे। आओ 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 आओ, स्टैचू भी ले लो। स्टैचू भी ले लो, मतलब इसका क्या मतलब है? स्टैचू ऑफ सेवन पास में ही तो है ना। नो ब्रो नो, मेरे से फाइट मत करो यार, मेरे से फाइट, भाई ये मेरे से ही फाइट कर रहे हैं चिमकांडी। मैं यहाँ का भाई किंग आदमी है, तू मेरे से फाइट कर रहा है, बता। ओ भाई यहाँ पर और बंदे हैं यार, ये बंदे कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं स्टैचू ऑफ सेवन ओपन करते ही यहाँ से भाग निकलेगा मैं। ओके ओके ओके, तुम लोग जाओ भाई, ये ओपन भी नहीं होगा। तुम लोग जाओ, मैं बुला लूंगा इन लोगों को, बुला लूंगा ना। तुम लोग जाओ, मैं बुलाता हूँ। ओके भाई तुम लोग जाओ, मैं बुलाता हूँ, क्योंकि कॉपी में होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट भेजो भाई, भगा दो सबको। ओ ब्रो, अच्छा रावण टू भी गया। मैं सोचा रावण टू ऐसा क्या कर रहा है भाई जो जा नहीं रहा। दो बंदे गए पहले, फिर उसके बाद ये लास्ट वाला भी गया चला। उसके बाद अब हम ओपन करेंगे स्टैचू ऑफ द सेवन, तो खुल जाएगा हमारा न्यू वर्ल्ड। तो मजा आएगा ना अभी न्यू वर्ल्ड ओपन करने में। तो कितना दूर तक ओपन होगा भाई? ज्यादा दूर तक मेरे ख्याल से होगा नहीं ये वर्ल्ड ओपन। स्टैचू ऑफ द सेवन, ओके। ओ भाई काफी सारा तब भी ओपन हुआ है। टेलीपोर्ट वे पॉइंट अनलॉक। वर्सिप स्टेटस क्या है मेरी? ओ भाई एक ही है भाई, 6 चाहिए इसमें तो। हर जगह भाई कम ही कम है थोड़ा थोड़ा। ओके ये कौन है? इताची आ जाओ, हो गया मेरा काम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। वर्ल्ड ओपन हो गया ना, बस वर्ल्ड ही तो ओपन करना था, उसके बाद तो फिर आ जाएंगे। और यहीं पर इस वीडियो को फिर एंड करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो हमारा। तो काफी ज्यादा फन हुआ, काफी ज्यादा चिल हुआ, और बीच में तो काफी ज्यादा फाइट भी हुई। तो यहाँ पर वीडियो एंड करना सही रहेगा भाई, मतलब और थोड़ा बड़ा करना चाहिए वीडियो को ना। स्पीकिंग माय नेम इन हंबल सप्लिकेशन। ओके तो आगे काफी और सारी चीजें हैं, और ये वाला डोमेन जो मैंने ऑन किया था पहले, ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर डायरेक्ट टेलीपोर्ट करके फिर हम इसको फाइट कर लेंगे, लेकिन ये कोपी में होगा नहीं, तो मेरे को ये अकेले करना पड़ेगा। और अंश हो गया या ब्रो? अंश आ गया लेकिन वो अभी नहीं आया है। क्या बोलते हैं, रावण टू नहीं आया अभी। रावण टू को भी बुलाना चाहिए यार। रावण टू भाई एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, आ जाओ ब्रो, आ जाओ आ जाओ भाई। आया था तो बुला देते हैं उसको भी। चलो आगे आगे चले, मतलब आगे का वर्ल्ड भी ओपन कर ले यार। लेकिन आगे का वर्ल्ड ओपन करने से क्या फायदा यार? लेकिन यहाँ पर मिलेगा हमको वो डेंड्रोक्यूलस जो मेरे को जरूरत है, तो आगे चले। तो आगे चले भाई, चलें तो आगे चले भाई। पूरा वर्ल्ड ओपन हो जाएगा, मैं इसको एक्सप्लोर कब करेगा यार? भाई वर्ल्ड तो ओपन हो जाएगा, मैं इसको एक्सप्लोर कब करूंगा? वर्ल्ड तो ओपन हो जाएगा तो मैं एक्सप्लोर कब करूंगा? I created another universe and found it. कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। ओके कर लो कर लो। एक्सप्लोर भी तो करना होता ना वर्ल्ड को, तो इस वजह से भाई क्या फायदा। तो चलो एक डोमेन क्लियर करते हैं।
एक डोमेन ओपन करते हैं बार, वो वाला एक डोमेन ओपन करें। ओ भाई क्या लिखना है यार, एक डोमेन में चलते हैं और उस डोमेन में ना वो मिलता है, क्या बोलते हैं, मेरे को जेंगलिंग को वो देना है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोलते क्या भाई, कुछ तो बोलते हैं, लेकिन किधर है भाई, किधर है, किधर है, किधर है, ये है भाई, यही है मेरे ख्याल से डोमेन ऑफ ब्लेसिंग। हाँ ये तो, ये मेरे को क्रिसमस विच ऑफ फ्लेम्स के बिना वो चाहिए, क्या बोलते हैं यार, आर्टिफैक्ट्स चाहिए यार, मैं भूल क्यों जाता हूँ, आर्टिफैक्ट्स चाहिए मेरे को उसके क्रिसमॉन विच ऑफ फ्लेम्स के, क्योंकि उसके आर्टिफैक्ट्स से मेरे को काफी ज्यादा पायरो डैमेज उसका मिलेगा, तो पायरो डैमेज उसको मैं लगाएगा तो काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ओके इकोनोमिया का कुछ करेंगे, पता नहीं नेट भी स्लो चल रहा है। Fischl and the princess and differ आ जाओ यार आ जाओ। अरे वो बंदा किधर है, अभी अभी इताची नहीं आया यार, आ गया इताची भी आ गया। आओ आओ भाई, अभी हम यहाँ पर इस डोमेन को करेंगे क्लियर, क्योंकि हमको मिलेगा भाई काफी सारा चीजें, तो एक्टिका करेंगे, मेरे बस में तो ना इन लोगों को हराना, तो पार्टी लेवल इज सो लोअर। ओके तो कौन कौन से कैरेक्टर ले जाने हैं भाई, बर्फ का कैरेक्टर ले जाना है, मेरे पास तो है ही नहीं भाई, कुछ भी पूछना हो तो। ओके 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 मैं समझ सकता हूँ। ओके ब्रो ओके भाई, अभी अभी जाने दो इसको यार, ये मेरे को बुला रहा है कोई, तो बर्फ का यूज करना इसका मतलब मेरे को किसका ले जाना चाहिए, मेरे को भी हवा का यूज करना चाहिए, और चलो ठीक है रेडी करते हैं इसको। ऐसे मेरे को कौन सा जीतना है भाई, मेरे साथ तो मेरे फ्रेंड्स हैं, कब तक फ्रेंड्स पे भरोसा करूंगा यार, इसीलिए तो आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूं ना यार, आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करके अपने कैरेक्टर को भी ओपी बनाना है तगड़ा वाला, तो उससे भी तो डैमेज पड़ेगा मेरा, और बिजली वाली कैरेक्टर को भी तो तगड़ा बनाना है मेरे को, आर्टिफैक्ट्स से होगा कमाल। बंदे पहले ही पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पर, देख रहे हो क्या सीन है, और आ जाए भाई, अभी एक नहीं आया यार, अभी ये बंद हो जाएगा, दो नंबर वाला भाई कौन है ये, इताची कम यार, अभी मैं इसको बंद कर दूंगा तो तुम अंदर आ भी नहीं सकते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके 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 इनटू द फायर भाई, कुछ दिख भी नहीं रहा कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, 16 लोगों को मारना है मेरे को, ये ले ब्रो ये ले, 5 लोग मर चुके हैं, 7 लोग खत्म है, 7 लोग खत्म है, 8 लोग गए, 8 लोग गए, 8 लोग जा चुके हैं भाई, कुछ दिख नहीं रहा यार, कौन कौन सी पावर यूज चल रही है भाई यहाँ पर, भाई कौन 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 सी पावर यूज कर रहा है, भाई ये तो मर गया यार मेरा, मेरा कैरेक्टर गया भाई, ये लो ब्रो ये लो भाई, क्या डैमेज दे रहा भाई ये सब, बो भाई मैं गिफ्ट देने लायक भी ना रहूंगा, अभी जीत जाऊंगा तो इसको मारने दो ब्रो, मारने दो इन लोगों को भाई सा, इसको तो मैं मार ही सकता हूँ, नहीं नहीं अब एक बंदा और बचा, एक बंदा और बचा भाई, ये बंदा नहीं बंदा का खजाना यार, मारो यार उसको, मारो जल्दी से यार। ओके 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 मेरा कुत्ता ही डैमेज देगा इतने देर तक, कुछ तो डैमेज दे ही रहा होगा मेरा कुत्ता। ओके ओके कंप्लीट द चैलेंज, अब मैं सिर्फ चैलेंज का वो मजा लेने जाऊंगा, देखते हैं क्या मिला है मेरे को, तो गिफ्ट में क्या मिलेगा देखते हैं, अच्छा ही चीज मिल जाना भाई, क्रिसमस विच ऑफ फ्लेम्स का ही कोई आर्टिफैक्ट्स मिल जाना यार बढ़िया सा। ओके ब्रो
जो चाहिए था वही मिल गया। नहीं, ये तो लावा वॉकर का है भाई, ये लावा वॉकर का है ब्रो। ये किसका है? विच हर्ट फ्लेम, विच हर्ट फ्लेम, ये एलिमेंट्री मास्टरी है तो क्रिट डैमेज 6.2। ये काफ़ी सही है, काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर लीव द डोमेन, क्योंकि अपने आप को सबसे पहले हील करना पड़ेगा, उसके बाद फिर काफ़ी मज़ा आने वाला है। फिर इसको देखते ही मैं इसको कहाँ पे लगा सकता हूँ सबसे पहले। अभी तुरंत लगाते हैं इसको। नहीं यार, सबसे पहले हील कर लेते हैं अपने आप को, उसके बाद लगाते हैं। तो वो लावा वॉकर का था यार, कि मुझे क्रिसमॉस विच वाला चाहिए, क्योंकि ये पायरो डैमेज इंक्रीज कर देगी। काफ़ी चीज़ें इंक्रीज कर रहा है ना इसमें वो मेरे जैंगलिंग का, तो भी जो भी है इंक्रीज हो जाएगा। अभी देखते हैं इसको लगा के, चेक करते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स में देखते हैं किस में लगेगा ये। तो इसमें तो लगेगा नहीं, इसमें लगेगा एलिमेंट्री मास्टरी और 2 पीस। इसको लगाने के बाद ये 3 पीस हो जाएगा फिर। तो अभी कौन सा यूज़ कर रहा था मैं? अटैक 34% यूज़ कर रहा था यार मैं तो इसे कोई। और अब इसको यूज़ करते हैं फिर, स्विच स्विच करते हैं और इन्हेंस करते हैं इसको। ओके, इसका कोई मटेरियल मटेरियल नहीं है क्या? इससे पहले मैं जो भी यूज़ कर रहा था मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ लेवल अप करने के लिए, क्योंकि अब तो भाई मैं उसका यूज़ करूँगा नहीं तो 14 लेवल तो ऐसे ही हो जाएगा इसका। इन्हेंस कन्फर्म। भाई इसका क्रिट डैमेज देख रहा हूँ 16.8% बढ़ गया यार, और क्रिट रेट 3.1%। ब्रो इसका क्रिट रेट काफी तगड़ा बढ़ रहा है। ओके ब्रो, 15 हो गया ये, एक और बाकी है, 16 कर देते हैं यार इसको। तो कैंडली 11-1 बोनस। ओ भाई क्रिट रेट 6.2 हो गया। ओके ब्रो ये मस्त है। और इसका क्या है? इसका अटैक है और इसमें क्रिट डैमेज 11%, एनर्जी चार्ज 5.2% है, और इसमें एनर्जी चार्ज 5.2%, डिफेंस इतना परसेंट। तो भाई देख रहे, अब ये चौथा लेम क्या होगा ना, इंक्रीज ओवरलोड बर्निंग एंड बार्गेन इफेक्ट बढ़ जाएगा इससे। ये होगा ना मस्ती, अभी आएगा ना मजा बिड़ू। अच्छा ये भी लगा सकते हैं हम, लेकिन ये लावा वॉकर का है तो लावा वॉकर हम ऐसे भी यूज करते नहीं है। तो बंदे कहाँ के भाई ये? अभी और करना था यार। ओके तो ये मेरा वो करने चले गए हैं, क्या बोलते हैं, अभी एक दो बार और फाइट करूंगा मैं, मेरे को क्योंकि और चाहिए वो क्रिसमस का। तो काफी ज्यादा अभी बढ़ जाएगा मेरा पावर्स, पायरो डैमेज बढ़ जाएगा और काफी सारी। ओ भाई मेरा कमीशन भी कंप्लीट कर दिया इन लोगों ने तो। ओके तो अभी एक बार और, एक दो बार और फाइट करनी पड़ेगी मुझे। एक दो बार और फाइट करेंगे, उसके बाद फिर अपना ही राज है। आ जाओ ब्रो, आ जाओ वहीं से। भाई वो लोग तो वहीं से आ जाएंगे ना, वो लोग तो वहीं से आ जाएंगे, कोपी में इंटर करते वो लोग वहां से आ जाएंगे। आ जाओ ब्रो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इताची डिक्लाइन की, और भाई इताची को करने देते हैं फिर। इताची नहीं आना चाहता तो नहीं आना चाहता भाई, कोई कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इताची नहीं आना चाहता तो अंश को ही ले चलते हैं ना फिर। अंश तो ओके, बर्फ का ले आया है एक, और एक पायरो का ले आया, तो गुड भाई, गुड कॉम्बिनेशन ब्रो। ओवरलोड उससे करेगा और उससे फिर काफी ज्यादा अच्छा, उसका मैचिंग काफी तगड़ा। तो अभी जल्दी जल्दी बंदे मरेंगे, क्योंकि भाई तो देखो एक एक कैरेक्टर यूज करने से ना उतना मजा नहीं आता जब तक दो दो कैरेक्टर ना यूज हो। अब देखना अंश चुन चुन के मारेगा उन लोगों को भाई, चुन चुन के। अयाका ले लिया है भाई बंदे ने। तो स्टार्ट द चैलेंज। स्टार्टिंग में हम भी तो जलवे दिखाते हैं अपने, स्टार्टिंग में तो हम भी अपने जलवे दिखाते हैं यार। भाई 4 बंदे ऐसे देखो तुरंत ही मर गए हैं अभी। ओके 5 बंदे के मर गए, और मेरा कमीशन भी कंप्लीट कर रहा भाई ये। भाई मेरे कमीशन भी कंप्लीट हो रहे हैं भाई। मेरे को कोई हील कर रहा है, मेरे को कोई हील कर रहा है यार। भाई कोई तो हील कर रहा है यार, इसके पास वो बेनेट है, उससे हील हो रहा हूँ क्या मैं? बेनेट कैरेक्टर ओ भाई मर गया, मर गया, मर गया मैं। As you wish, main Fräulein. ये तो इम्यून हो जाएगा यार इससे तो।
ओके हील कर दे भाई, हील कर दे मेरे को। ओके ओके भाई भाई क्या हील हो रहा हूँ मैं यार, भाई क्या हील किया है मेरे को इसने, भाई 2 ही मिनट में पूरा हील हो गया मैं। ले ओवरलोड भाई ओवरलोड भाई, ये भी देख लो 80 लेवल के बंदे भी तो हैं, ये भी तो देख लेना चाहिए बंदों को। एक बार मेरी कहानी खत्म कर देगा ये, लेकिन कोई ना हीलर तो अपने पास सही है बेनेट। As you wish, Ready of wish, delight. ओके ये टूट गया भाई। मार दे बिड़ू, मार दे उसको। यही मार सकता है यार उसको, यार वही मार सकता है। 9,000 का डैमेज जहाँ देगा वो। गया भाई बंदा गया ये। नहीं मैं मारने वाला ही नहीं हूँ भाई, देख रहा क्या डैमेज दिया मेरे को। मैं यहीं पर खड़ा हूँ। आ जा भाई आ जा, चैलेंज कंप्लीट होते मैं जा रहा हूँ मैं अपना गिफ्ट लेने के लिए। मैं मार ही ना रहा उसको, 80 लेवल के बंदे, अभी मैं खुद 80 लेवल का नहीं हूँ भाई। कोई बढ़िया सा आर्टिफैक्ट्स मिल जाए यार उसका। लावा वाला मत देना ब्रो, लावा वॉकर का मत देना प्लीज, लावा वॉकर का मत देना। ये क्या, ये क्या, लावा वॉकर का तो नहीं है। ओ गॉड यार, लावा वॉकर का नहीं चाहिए मेरे को। अब विच हेड फ्लेम फिर से मिल गया एक, लेकिन इस बार पायरो डैमेज बोनस है ब्रो, ये ब्रो ये पायरो डैमेज बोनस है। और उसमें क्या था, एलिमेंट्री मास्टरी था, तो इसको भी तो मैं यूज कर सकता हूँ भाई। देखो मैं अभी मैं डिस्कशन करूंगा उन लोगों बंदों से कि मुझे पायरो डैमेज बोनस यूज करना चाहिए को लावा वॉकर यूज करना चाहिए। इनकी डैमेज अगेंस्ट इफेक्ट पायरो बाय 35%। तो अच्छा ये लावा वॉकर सही होता है कि क्रिसमस सही होता है, ये भी तो सही है। विच हट फ्लेम्स, एक बार और फाइट करनी चाहिए मेरे को। तो यहीं से डायरेक्ट कंटिन्यू कर देते हैं। इताची भाई, इताची तो आ ही ना रहा भाई। इताची को क्या दिक्कत है यार भाई, दिक्कत क्या भाई। इताची लगता है मेरा वो कंप्लीट कर रहा है, कमीशन कंप्लीट कर रहा भाई। इताची कर दे भाई कमीशन, मैं वैसे भी करता नहीं हूँ जल्दी कमीशन कंप्लीट अपना। मैंने भाई क्यों स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पता है भाई मैं डैमेजेड हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड तो डैमेजेड नहीं है ना, वो मारेगा सबको अच्छे से। भाई हील तो मैं वैसे भी हो ही जाऊंगा भाई। हील कर दे ब्रो, हील कर दे, हील कर दे ब्रो, हील कर दे। 4000 हील हो गया मैं, अब आएगा ना मजा, अब मजा आएगा ना। बेनेट भाई, बेनेट अच्छा हीलर लग रहा है मुझे भाई। दो बंदे गए हैं भाई। मैं हील हो गया। ब्रो, योर इंटेंस आइस कम इन दी। नो रेस्ट फॉर द विकेट, शैडो रेटेड भाई। ये बंदा गया यार, हील कर देना चाहिए था मेरे को कोई सी को। ओके 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 ओके, ये ले ब्रो ये ले। ओके 10 बंदे मर चुके हैं अभी। नाइस ऑफ स्पाइसी, एडवेंचर टाइम। ये ले ब्रो ये ले भाई, 3300 का मैं डैमेज दे रहा हूँ, बताओ इतना ज्यादा डैमेज मैं कैसे दे सकता हूँ इन लोगों को। भाई मिर्ची खा लेता हूँ, मिर्ची देगी पावर भाई। मैं आखिरी बचा हूँ। बेनेट भाई लेवल अप कर यार, लेवल अप कर मेरे को, हील कर दे भाई बेनेट। हील हो गया। हील होने के बाद मैं दिखाएगा अपनी पावर कि मेरी पावर सीमित नहीं है, असीमित है मेरी पावर भाई। 2000 का डैमेज तो मैं दे ही रहा हूँ यार, इतना भी गैप गुजरा नहीं हूँ मैं। ओके अब ये लास्ट बंदी मेरे बस की नहीं है, ये लास्ट बंदी मेरे बस की नहीं है यार। तभी मैं कुछ तो डैमेज दे ही दूंगा इसको। ब्रो, मर गया मैं, मर गया यार। रिवाइव कैसे करूंगा,
ऑल ऑल प्लेयर कैरेक्टर मस्ट फाइंड ऑर्डर इन। भाई मैं मर चुका हूँ यार, अब मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ पर? ब्रो व्हाट इज दिस यार, अब मैं यहाँ पर मर ही गया हूँ। मेरे को बच के करना चाहिए था इसको। भाई कंप्लीट हो गया चैलेंज, कंप्लीट हो गया भाई। अब क्या करूं मैं? चैलेंज कंप्लीटेड ब्रो, चैलेंज कंप्लीटेड। लेकिन वो वाला चैलेंज तो कंप्लीट हो चुका है, तो क्या मैं वहां जाके गिफ्ट ले सकता हूं भाई? मतलब जब चैलेंज कंप्लीट हो गया तो गिफ्ट तो ले ही सकता हूं ना यार। चैलेंज कंप्लीट होने के बाद गिफ्ट नहीं मिलेगा तो भाई क्या मिलेगा फिर? आ जा। हो गया है मेरा चैलेंज कंप्लीट। भाई कोई बढ़िया सा दे दे भाई, भाई दे दे यार। ये क्या है? विच इन टाइम, ये तो एलिमेंट्री मास्टरी है यार। ये तो एलिमेंट्री विच इन टाइम एलिमेंट्री मास्टरी क्रिटेड, इसमें भी बढ़ेगा लिव डोमेन। चलो इसको भी मैं कर दूंगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उस वो एलिमेंट्री मास्टरी को मैं हटा के पायरो डैमेज बोनस कर देता हूँ, और इसको मैं एलिमेंट्री मास्टरी कर देता हूँ। मतलब क्योंकि भाई एलिमेंट्री मास्टरी भी तो जरूरी है ना इसको, तो फिर सही है भाई। उसका उसमें कर दूंगा तो काफी सही हो जाएगा। उसका पैराडामेज बोनस करना पड़ेगा ब्रो, इसके बाद अभी तो काफी ज्यादा सही होने वाला है। मेरा आर्टिफैक्ट्स भी सही हो जाएगा तो इसमें आएगा ना फिर ये, क्योंकि ये है पावरफुल चीजें। तो विच भाई अब आएगा ना डैमेज, देखो इंक्रीज ओवरलोड बर्निंग एंड बार्गेन डैमेज बाय 40%, इंक्रीज वेपराइज एंड मेल्ट डैमेज बाय 15%। तो अगर मैं बर्निंग करता हूँ, ओवरलोड करता हूँ, तो 40% का डैमेज मेरा इंक्रीज हो जाएगा। इनहेंस नहीं आई, पहले तो मैं वो कर लूँ ना, ये रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको लगाना पड़ेगा इक्विप। तो अब आएगा ना मजा बिड़ू, अभी इक्विप कर लिया इसको। और ये क्या है? अटैक 31%, क्रिट रेट 8.1%। तो इसको हम इसको इनहेंस करने में यूज करेंगे यार, इसको इनहेंस करने में यूज करेंगे। तो कहां पर ये चीज? ये इनहेंस कंफर्म 11%, क्रिट रेट 3.9, क्रिट डैमेज 7.8। ब्रो अब आएगा ना मजा भाई, अगर मैं इसका एलिमेंट्री मास्टरी चेक करूं भाई, काफी ज्यादा हो गया है मेरा भाई, 13 लेवल हो गया है अभी। क्रिट रेट क्रिट डैमेज काफी सही दे रहा है ये भाई, इसको फुली कर देता हूं यार पूरा, क्या दिक्कत है? 15 लेवल हो गया है अभी लास्ट वाले में कुछ तो वो बढ़ता है सिलेक्टेड मटेरियल्स। नहीं यार बाहर चलते हैं एक बार, अब फिर से इनहेंस करते हैं, क्योंकि एक ही बार में कर देगा ना इनहेंस। नहीं भाई दो करना पड़ेगा। ओके इनहेंस क्रिट रेट 7.8 हो गया भाई, इसके बराबर ही हो गया क्रिट रेट। क्विक स्नैक, और इसका मेरे को चेंज करके ये वाला करना पड़ेगा, पायरो डैमेज बोनस करना पड़ेगा। तो वैसे भी स्विच करूंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये भाई मैंने कर दिया पहले से एलिमेंट्री मास्टरी का, तो इसको मैं किसी और में लगा सकता हूं, तो मैं इसको नहीं बीच में लाऊंगा अभी। ओके तो ये चारों इसको यूज कर लेते हैं पहले इनहेंस करने के लिए। ओके अटैक बढ़ा है, एचपी बढ़ा है, एनर्जी रिचार्ज बढ़ा है, कोई मटेरियल फाउंड ही नहीं हो रहा भाई इनको। ओके तो हम और दूसरा मटेरियल यूज कर लेंगे ना, एक मटेरियल हमारे पास थोड़ी है। तो अभी ये है तो इसका यूज करेंगे यार इनहेंस। ओके ब्रो 16 लेवल मैक्स हो गया मेरा, अटैक काफी सारा बढ़ गया है, 34% पायरो डैमेज बढ़ गया मेरा। ओके ब्रो अब होगा ना भाई तगड़ा वाला परफॉर्मेंस मेरा। तो देख ही सकते हो अभी एट्रीब्यूट आर्टिफैक्ट्स में क्या हुआ है मेरा। आर्टिफैक्ट्स 326 का वो डिफेंस, एलिमेंट्री मास्टरी 155। अभी इसका वो देखते हैं सब कुछ, क्रिट रेट 36, क्रिट डैमेज 69, और एनर्जी रिचार्ज, यार एनर्जी रिचार्ज 160 है भाई, इतना कम कैसे है? पायरो डैमेज बोनस 49% है,
भाई पावर डैमेज बोनस काफी ज्यादा बढ़ चुका है मेरा। वीडियो बना रहे हो या ब्रो? या वीडियो बन रहा है? रहा है। हेलो, वीडियो तो बना ही रहा हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं भाई। वीडियो तो बना ही रहा था मैं, और भाई देखो ये बंदों को सबको पता है मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, मेरी हेल्प इसीलिए करते हैं ये लोग भाई। देखो मजा आता है इनके साथ खेलने में। और तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताना, और आज के वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन हुआ आज का, हमने एक नया वर्ल्ड भी ओपन किया और हमने अपना वो क्या कहते हैं वो भी सही किया, क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट, मेरा रेंडमली आर्टिफैक्ट लगा हुआ था तो मैंने एक पूरा उसका क्रिसमस विच ऑफ फ्लेम्स का पूरा आर्टिफैक्ट ही लगा ही दिया है, तो काफी बेहतरीन है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताना, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू। ओके बाय बाय, बाय बाय ब्रो, बाय बाय। मजा आ गया। और आपको इसमें कौन सा भाई चीज, आपको कुछ अगर सजेशन देना हो आर्टिफैक्ट के बारे में वो भी दे सकते हो यार। जाते जाते ये भी बात मैं पूछ लेता हूँ, अगर आर्टिफैक्ट के बारे में अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो ये भी दे सकते हैं, या कुछ पूछना चाहते हो तो भी पूछ सकते हो। दोस्तों फिर बाय बाय करते हैं आज। ओके बाय बाय।